नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। हाँ कहने के बाद कनाडा के स्पीकर ने G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन को छोड़ दिया है। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद के बीच कनाडाई सीनेट के अध्यक्ष रेमोंडे गैग ने शुक्रवार से यहां शुरू होने वाले 2 दिवसीय G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। इससे पहले कनाडा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय को पुष्टि की थी कि गैग ने शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं आपको बता दें, पिछले हफ्ते पत्रकारों से बात करते हुए बिरला ने कहा था कि वह कनाडा स्पीकर के साथ अपनी अनौपचारिक बातचीत में कई मुद्दे उठाएंगे। कनाडा स्पीकर शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं और कार्यक्रम बदलते रहते हैं। वहीं सूत्रों ने कहा है कि कनाडा के फैसले का कोई भी कारण नहीं बताया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि बैठक में कनाडा का कोई अन्य प्रतिनिधि होगा या फिर नहीं होगा। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने विकास की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि भारत ने सभी G20 सदस्यों और अतिथि देशों को आमंत्रित किया है और वे अपनी भागीदारी पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।